इल्म व अमल का एक और चमकता हुआ सितारा गुरूब हो गया। जूं जूं कयामत करीब आ रही है, अल्लाह वाले नेक बंदे उलमा एक के बाद एक दुनिया से पर्दे करते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना ख़ास फजल व करम फरमाएं। ज़िला टोबा टेक सिंह शहर की कदीम और मशहूर दीनी दरसगाह जामिया दारुल उलूम ईदगाह के मौजूदा मोहतमम और मुफ्ती शहर हज़रत मौलाना सैयद सलमान अहमद शाह साहिब अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह के फरजंद अर्जुमंद और वली कामिल वली वक़्त हज़रत मौलाना सैयद जावेद हुसैन शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया के खलीफा मजाज हज़रत अक़दस मौलाना सैयद मुतीउर रहमान शाह साहब अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल पुर मलाल हो गया है। अल्लाह ताला हज़रत के दरजात बुलंद फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए, वरसा को, लवाहिकीन को, मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन को अल्लाह पाक सबको सब्र जमील अता फरमाए। हजरत की नमाज जनाजा जिला टोबा टेक सिंह के अंदर आज ही 3 मार्च बरोज बुध बाद नमाज असर गौशाला वाले कब्रिस्तान में 5:30 बजे अदा की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब पे अपना खास फजल फरमाए और जो अकाबरीन मशाइख जिंदा हैं, उलमा जिंदा हैं, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको उलमा से, अकाबिर से, शायख से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अहलुल्लाह का वजूद भी दुनिया वालों के लिए बरकत का बायस होता है। एक अल्लाह वाले का दुनिया से चले जाना जहान वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हम दुआगो हैं अल्लाह हम सब पे अपना ख़ास फजल व करम फरमाए और अल्लाह पाक दुनिया आखरत में हमारा हशर नेक लोगों के साथ फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।